हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कैलाश के ब्लॉग्स एंड फ्रेंड्स। तो आज नवरात्रि का नौवां दिन है और आज हम नवरात्रि पूजेंगे माता रानी का। और कल व्रत रखा था और इसी के साथ मुझे बुखार भी था, बट बुखार अब थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। और मैंने देखो कितने ज़्यादा गर्म कपड़े पहने, 4 कपड़े तो अंदर ही पहने, टोपी पहनी ऊपर से, दूसरी टोपी इसकी है। और फ्रेंड्स तो फिर हम नवरात्रि मना रहे हैं आज, और मतलब कन्याओं को पूजेंगे जितनी भी कन्याएं मिलेगी। और इसी के साथ मैं दिखाता हूँ आपको बाद में कि कैसे पूजते हैं एंड। तो शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एंड। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं 7 बजने वाले सवेरे के, ये देखो कोहरा ही कोहरा चारों ओर हुआ पड़ा है, कितनी ठंड लग रही है अभी आप सोच सकते हो। कोहरा ही कोहरा मतलब चारों ओर हुआ पड़ा है और दिख भी नहीं रहा है इतनी दूर तक। तो गाइस अब सर्दी आने वाली है पूरी तरह से, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें एंड टोपी टोपी सब चीज़ पहने जैसे कि मैंने पहन रखी है। मुझे तो बुखार था और साथ में खांसी खुसी हो रही थी तब पहनी मैंने एंड। फ्रेंड्स तो मैं अभी बच्चियों को बोलने जा रहा हूँ, 2-3 बच्चियों को, और बाकी तो पता नहीं पापा मम्मी ने बोला है पहले से ही कि दूसरे बच्चों को कि आ जाना घर पे, पूजा करनी हमने एंड। तो फिर मैं 2 बच्चियों को बोलने जा रहा हूँ अभी, और एक के घर में तो पहुँचने वाला हूँ मैं बस। ठीक है एंड गाइस, तो ये हमारी फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर है, ये देख सकते हैं आप, एंड वो दूसरा घर उधर पे, पहला घर इधर पे, उनको बोलते हैं हम। ओके गाइस, बाय बाय गाइस एंड गाइस। तो पहले घर का सक्सेसफुल हो गया मिशन, और बोलने का मतलब आंटी बोल रहे थे कि मेरे बच्चे ने 8:30 बजे स्कूल जाना है, बट मैंने बोला कि हम तो 8 बजे तक खिला देंगे, आप तैयार कर लेना 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो फिर आंटी ने बोला ठीक है। तो फिर मतलब आज तो मेरी छुट्टी है, क्योंकि हमारे कॉलेज में पहले से साइन करा दिए थे कॉलेज वालों ने कि आज की मतलब मंडे की छुट्टी करनी है, कल दशहरा है एंड दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे कुछ दिखाई दिया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा गाइस ये देखो हमारा बिछड़ा हुआ लीमू, ये पता नहीं कहाँ रहती है आजकल, इतनी सारी बोरियों के ऊपर बैठ रखी है, इसको भी ठंड लग रही होगी बेचारी। लीमू किधर रहते हो आप हैं? ये देखो अब तो हमारे पास ब्राउनी आ चुका बट ये बेचारी तो इधर पे खड़ी है। और इधर फैक्ट्री मतलब ये बैटरीज बनती है, इधर ये देख सकते हैं बैटरी का कचरा इधर। बाय बाय लीमू, मैं जा रहा हूँ, तो इधर रह, ठंड से मत मर बाहर आके। बाय बाय गाइस। गाइस तो यहाँ पर फूल लगे थे जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया फूल लगे, तो मैंने थोड़े बहुत तोड़ दिए माता की पूजा के लिए, इससे कुछ नहीं होता, बट इनके टायर के प्रमोशन कर देता हूँ। ये देखो इधर टायर बनते हैं, सो अगर कोई देख रहा हो तो फिर मुझे माफ़ करना, फूल तोड़े मैंने आपके, बट माता के पूजा के लिए तोड़े, बट आप टायर की प्रमोशन करवा लो मुझसे, है ना। ओके गाइस अब दूसरा घर आने वाला है, पीछे देखो पीछे। एंड गाइस तो ये फैक्ट्री वाले तो पहले तैयार कर रहे थे बेचारे, क्योंकि इनको किसी और का फ़ोन भी आया था शायद, तो फिर मैंने बोला कि मैं लेके जाऊंगा बाद में, तैयार कर लेना आप बच्ची को अपने। और ये देखो मैंने दूसरी टोपी भी पहन ली है भाई, मुझे सच में बुखार और ठंड और सब चीज़ लग गई थी, अभी तो दवाई चल रही है बट अभी भी ठंड मेरी हटी नहीं, क्योंकि इस नॉर्मल टेम्परेचर में मैं टोपी नहीं पहनता था पहले, बट आज मैंने टोपी पहन के रखी है, मतलब कि मेरे सिर दर्द में हो रहा, सिर दर्द हो रहा ज़्यादा, तो फिर खांसी भी हो रही है एंड वो सब छोड़ो फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, अभी सवेरे सवेरे मैं नहाया था, माता जी की पूजा करनी है ना, तो फिर मैं नहा लिया था एंड हमारे माता जी के फूल। गाइस बाय बाय, ये ब्लॉग बड़ा बन जाता तो फिर मुझे दिक्कत होती है एडिटिंग में भी और क्लिप्स डालने में भी कि कौन सी क्लिप कब डालूं, है ना। तो ओके गाइस बाद में मिलते हैं आपको। गाइस तो मैं अभी आ चुका हूँ इधर, ये देखो ये है नंदी, और नंदी बेचारा भी थोड़ा बहुत बीमार रहता है, ऐसे आगे से नहीं बीमार पीछे से है, बट गंगा के पास चले जाते हैं। हेलो गंगड़ू, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ये देखो ये जब भी कैमरे को देखती है ऐसे ऐसे करने लग जाती है। ओके गाइस बाय बाय। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। एंड फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर पूजा कर रहा था, वो भी दूसरी बार, क्योंकि मैंने पहले पूजा कर ली थी और ये लास्ट वाली पूजा रह गई थी, इसके बाद तो कन्याओं की पूजा होगी। और बैकग्राउंड में साउंड चल रहा था, मतलब म्यूज़िक चल रहा था माता जी का भजन, तो फिर उस पर कॉपीराइट आ जाता है, इससे बढ़िया मैंने मतलब अपनी वॉइस ओवर लगा दिया, ये देख सकते हैं आप सामान।
एंड फ्रेंड्स, तो पूजा कर ली थी हमने, मैंने पहली, तो फिर अभी मैंने थोड़ी बहुत पूजा की थी, अभी दूसरी बार करनी है, तीसरी बार करनी है जब कन्याएं आ जाएंगी, मतलब बच्ची आ जाएगी पूजा के लिए। तो फिर ये देख सकते हैं आप हमारा मंदिर, एंड ये डमरू है भोलेनाथ जी का जो मैंने परसों लाया था मेले से। One hour later. एंड गाइस, तो मैं बच्चों को लेने आया था, ये देखो क्या कर रहा है, रो रहा है। पापा बोलो, पापा अपने पापा के लिए रो रहा है, कहता है मुझे घर जाना है। आपका नाम क्या है? काजल। काजल तेरे अखियों को काजल रे, काजल काजल, ओए होए ओए होए ओए होए, रो रहा है। ओके गाइस, बाय बाय, चलते। 5 minutes later. काजल, इसको पकड़ के रखो, नहीं तो ब्राउनी का परी बन जाएगा, परी उड़ने लग जाएगी। ब्राउनी रो रहा है, काजल की परी उड़ने लग गई। रो क्यों रहा है? रो रहा है, कहता है मैं अपने पाजी के पास जाऊंगा, ये देखो ये बहुत शैतान हो रहा है, बाय बाय, इसको नीचे ये लो तुम भी ले लो, अरे पकड़ लो, अरे जल्दी, बस बस बस, इसको गिराना मत, नहीं तो परी बन जाएगा। ओके गाइस, ये देख सकते हैं आप, पूजा के लिए आए हैं, मेरा गला खराब हो गया पता नहीं क्यों। तो दिए हमने, जय माता दी, आशीर्वाद दे दो मुझे, जय बाबा दे, इसको भी ले जाओ साथ में, जय 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 जय, सबका आशीर्वाद ले लिया हमने। ओके गाइस, तो ये बना हमारा खीर, पूड़ी और चने, और बस अंदर दिखाता हूँ आपको। हाँ एंड फ्रेंड्स, तो पूजा तो हो चुकी है हमारे अंदर की, और तुलसी माता को मैंने अभी चुनरी बांधी है, और बस बाकी मेरी थोड़ी बहुत ही आवाज़ ख़राब हो गई थी, वो एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं वो ऐसा लगा दूंगा बाकी वीडियोस में, क्योंकि उधर पे सॉन्ग भी चल रहा है अंदर। रोनी रोनी, ये पता नहीं क्या, एक पूरी खा के ये क्या करने लग गया, देखो। ओके गाइस, बाय। तो फाइनली हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, और मैंने बच्चों को छोड़ दिया इधर, और बस इतना ही कहना था आपको, और अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बुखार भी है और साथ में जुकाम भी है। ओके गाइस, बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, तो अभी मैं गंगा को देने आया हूँ इधर पे, हलवा प्रसाद और चने, जय माता दी। हमारे धर्म में मतलब सबसे ऊपर ऐसे गौ माता को भी माना जाता है, और आपको पता ही होगा हिंदू धर्म में। एंड गाइस, तो दे दिया हमने। और खांसी हो रही थोड़ी बहुत, ये देख सकते हैं, कल रात में बारिश पड़ी थी तो फिर गीला गीला हो रखा है, एंड इसको हमने यहाँ बांध रखा है बेचारे नंदी को, नंदू बोलता हूँ ऐसे ऐसे प्यार से। ये देख सकते हैं इसके पूंछ पे वो कुछ हो रखा है, तो फिर उस पर वो लगाया हमने दवाई दवाई, तो अभी तो ठीक हो रही है इसकी पूंछ, आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। ओके गाइस, मैं भी खा लेता हूँ खाना जाके, बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, तो अब जाके मैं वो खाऊंगा, खीर छोले पूड़ी, और बस इतना ही खाऊंगा, और आई होप
आपको आपको दिख ही गया होगा जो कि मैं दिखाना चाहता था, नवरात्रि की पूजा। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना कैलाश के ब्लॉग्स को। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।